हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे अपन लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। रिएक्शन ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ एल्कोहल। क्लियर, समझो इसको क्या है। अपने पास में एल्कोहल है CH3CH2OH। इस ऑक्सीजन एटम के पास में क्या है, टू लोन पेयर प्रेजेंट। क्लियर, जब ये किसी भी ऐसी स्पीशीज से रिएक्ट करता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो उसको ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है और वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होके ऑक्सोनियम आयन, दैट मींस ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। उस कंडीशन में एल्कोहल एक्ट एज ए लुईस एसिड। इसके तरह ये करेगा आपका ये लुईस एसिड, सॉरी लुईस बेस लोन पेयर ये देगा। इस केस में आपका ये एल्कोहल किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह, क्योंकि इसने क्या किया है, लोन पेयर दिया है। इस स्पीसीज को यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, H+, क्या मिलेगा, H+, जो क्या है, डेफिशिएंट। इस कंडीशन में यहाँ पर ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और अपने पास देखना जाती है CH3CH2OH ये प्लस चार्ज और अपने पास में ये Cl- कहेंगे अपन ऑक्सोनियम सोल्ट। क्लियर, तो लोन पेयर अगर ये देता है तो उस कंडीशन में ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह, और यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वो ऑक्सोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड सोल्ट का फॉर्मेशन हो गया। इस रिएक्शन में इतना ही था और ज्यादा इसमें अपन डिस्कस नहीं करेंगे। अब अपने पास में केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी है। फोर टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज में काफी रिएक्शन अपन ने डिस्कस किए। उस रिएक्शंस में अपन ने जो डिस्कस किया है वो OH बॉन्ड क्लीवेज, CO बॉन्ड क्लीवेज, एल्काइल ग्रुप एंड OH ग्रुप, और लास्ट आपकी फोर टाइप की रिएक्शन अपन ने डिस्कस कर दी है। अब अपन यहां से जो टॉपिक पे चलेंगे वो चलेंगे कार्बन चेन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एल्कोहल। कार्बन चेन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एल्कोहल, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना बेटा। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। कैसे, आपको क्या कहेगा वो, सी एस थ्री ओ एस से आप क्या बनाओ, CH3CH2OH, और दूसरा क्या कहो आपका, CH3CH2OH से आप क्या बनाओ, CH3OH। तो यहां कार्बन चेन क्या हो रही है, इंक्रीज, और यहां क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज। मेथेनॉल से इथेनॉल बनाओ, इथेनॉल से मेथेनॉल बनाओ, कैसे भी वो क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट इन एल्कोहल डिक्रीजिंग द कार्बन चेन या एल्कोहल इंक्रीजिंग द कार्बन चेन। तो इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो मेथेनॉल से इथेनॉल, और डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो इथेनॉल से मेथेनॉल। क्लियर, तो आपको क्वेश्चन भी दे रखा है, हाउ कैन यू कन्वर्ट मेथेनॉल इंटू इथेनॉल, या हाउ कैन यू ऑब्टेन इथेनॉल फ्रॉम मेथेनॉल, राइट। इसके लिए कहें तो हाउ कैन यू कन्वर्ट इथेनॉल इंटू मेथेनॉल, या हाउ कैन यू ऑब्टेन मिथेनॉल फ्रॉम इथेनॉल, या इथाइल एल्कोहल मिथाइल एल्कोहल कैसे भी दे सकता है आपको। तो आपको वहां पर कार्बन चेन इंक्रीज और डिक्रीज का ध्यान रखना है। इसका अपन यहाँ पर एक पार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कौन सा, मेथेनॉल से इथेनॉल कैसे फॉर्मेशन होता है, फिर सेकेंड पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मेथेनॉल से इथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एल्कोहल कैसे डिस्कस होता है, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए क्या करना है आपको, मिथेनॉल से
इथेनॉल का फॉर्मेशन करना है। तो आपको अब जो एबीसीडी वाली रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन, अब आपको होगी एबीसीडी क्या है, एबीसीडी वाली रिएक्शन है उसका कुछ आइडिया होगा, यहां से उसको समझने में हेल्प मिलेगी आपको। क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ कैन यू कन्वर्ट मीथेनॉल इनटू इथेनॉल, या हाउ कैन यू ऑब्टेन इथेनॉल फ्रॉम मीथेनॉल, इथेनॉल फ्रॉम मीथेनॉल, क्लियर। ये अपना क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको क्लियर करना है। अब देखो इससे रिगार्डिंग आप काफी क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो, काफी रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, वही रिएक्शन वापस रिपीट कर होगी आपको। क्या करना है आपको इसमें, डिफरेंस क्या है, अपन को कार्बन इंक्रीज करना है, क्या करना है, कार्बन इंक्रीज करना है। और कार्बन इंक्रीज करने का सबसे बढ़िया रिएजेंट है आपका साइनाइड ग्रुप। अगर अपने पास में कैसे भी करके इसमें साइनाइड ग्रुप जुड़ जाए तो अपने पास में क्या होगा, कार्बन इंक्रीज हो जाएगा। इस साइनाइड में क्या है आपका, कार्बन प्रेजेंट है, क्लियर। तो देखिए बेटा इसमें कैसे रिएक्शन होती है, कैसे उसको क्लियर करते हैं, ध्यान से समझिए। अपन ने क्या किया, CH3OH की रिएक्शन करवाई किससे, PCl5 से, किससे करवाई, PCl5 से। तो यहां बनेगा आपका CH3Cl, क्या बनेगा, CH3Cl। अब इस तरह की जो रिएक्शन चलेगी बेटा उसमें क्या निकलेगा, क्या है वो अपन नहीं लिखते हैं, राइट। हालांकि इसकी मैं क्लियरली रिएक्शन आपको एक एक रिएक्शन क्लियर बताऊंगा। सबसे पहले क्या किया, इसकी एल्कोन की रिएक्शन PCl5 से क्या बन गया आपका, CH3Cl, और CH3Cl की रिएक्शन किससे करवाई अपन ने, KCl से, किससे करवाई, KCl से, क्लियर। तो अपने पास क्या बन गया, CH3Cl, क्या बन गया, CH3Cl, क्लियर। और इसकी रिएक्शन अपन क्या करवाएंगे, रिडक्शन, क्या करवाएंगे, रिडक्शन, रिडक्शन के लिए क्या लेंगे अपन, 4H, कोई भी ले लो रिड्यूसिंग एजेंट आपको, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखो, ये होता है इस तरीके से, क्लियर। ये बॉन्ड टूटेगा, एक एच यहां पर, एक एच यहां पर, ये बॉन्ड टूटेगा, एक एच यहां पर, एक एच यहां पर, वो क्या बन गया, CH3CH2NH2, क्लियर, CH3CH2NH2। अब आप देखो यहां पे एक कार्बन था, यहां पर देखो कार्बन बढ़ा नहीं बढ़ा, तो साइनाइड ग्रुप के आने से कार्बन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्लियर। अब यहां से अपने पास में दो तरीके हैं, एक तो रिएक्शन करवाएंगे अपन NOCl से, इससे करवाएंगे NOCl से, तो यहां पे आ जाएगा अपने पास में CH3CH2Cl, क्लियर। और इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन इससे एक्वस KOS, इससे करवाएंगे एक्वस KOS से, तो अपने पास बन जाएगा CH3CH2OH, क्लियर। और अगर अपन डायरेक्ट इसकी रिएक्शन करवा देंगे इससे HONO से, अपने पास बन जाएगा CH3CH2OH, अपने पास दोनों कंडीशन में क्या बन गया, मिथेनॉल से इथेनॉल, क्या बन गया, मिथेनॉल से इथेनॉल, क्लियर। अब वन बाय वन अपन एक एक रिएक्शन को यहां पर देख लेते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हुई। देखो रिएक्शन नंबर वन, ये अपनी फर्स्ट रिएक्शन, ये सेकेंड रिएक्शन, ये आपकी थर्ड रिएक्शन, ये आपकी फोर्थ रिएक्शन, ये आपकी फिफ्थ रिएक्शन, क्लियर। अब देखिए फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो CH3OH प्लस PCl5, क्या बनेगा आपको सबको पता है, एल्कोहल की रिएक्शन अपन PCl5 से करवाते हैं तो बनता है आपका एल्किल हैलाइड, मतलब क्लोराइड वगैरह, साथ में क्या बनता है, PO Cl3 प्लस HCl,
क्लियर है यहाँ पर? पहले रिएक्शन समझ में आ गई होगी। यहां तक अपने पास में ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन की कंप्लीट रिएक्शन ये है। आपको इस तरह से एरो में चलोगे तो क्या बना बाद में वो आपको नहीं लिखना है, आपको क्या देखना है कि ऊपर किससे रिएक्शन हो रही है, वो चीज आपको इम्पोर्टेंट है। और यही आपकी एबीसीडी में आपको इनमें गायब कर देगा बीच बीच में। एबीसी को आप कंप्लीट करो और रिएक्शन लिखो, तो उसमें आपको इस तरह की रिएक्शन देखने को मिलेगी। सेकेंड रिएक्शन देखिए, अब अपने पास में क्या आ गया, सी एस थ्री सी एल। देखो सी एस थ्री सी एल की रिएक्शन किससे करवाई अपन ने, के सी एल से। किससे करवाई बेटा, के सी एल से। तो यहां पर क्या बन गया, सी एस थ्री सी एल प्लस के सी एल, ये आपका नंबर दो प्रोडक्ट आ गया। यहां तो कोई डाउट है नहीं होना चाहिए, बात क्लियर है। रिएक्शन नंबर थर्ड, रिएक्शन नंबर थर्ड देखिए आप। रिएक्शन नंबर थर्ड में क्या करवा रखा है अपन ने, सी एस थ्री सी एल इसका रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन में अपन क्या करवाते हैं, हाइड्रोजन ऐड होता है। अब यहां रिडक्शन के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या Na C2H5OH, और ना भी लिखो तब भी आपने क्या लिख दिया, रिडक्शन। और रिडक्शन हमेशा किससे होता है, रिड्यूसिंग एजेंट से। तो आप अगर ये ना भी लिखो तब भी कोई क्या बन जाएगा अपने पास में, CH3 CH2 CN। CH3 CN का जो रिडक्शन होगा वो क्या बनाएगा, CH3 CH2 NH2, एमीन का फॉर्मेशन कर देगा, कर लेगा एमीन का फॉर्मेशन, राइट। रिएक्शन नंबर, अब आती है आपकी रिएक्शन नंबर फोर, ध्यान से देखिए रिएक्शन नंबर फोर। देखो बेटा CH3 CH2 NH H, इस NOCl को आप सब जानते हो कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से, क्लियर। ये आपका यहां से और ये आपका क्या बनेगा, देखो गौर से देखो, सारी रिएक्शन आपकी पड़ी हुई है, CH3 CH2 Cl + N2 + H2। रिएक्शन नंबर फोर तो देखिए आप, CH3 CH2 NH2 रिएक्शन किससे करवाया अपन ने, NOCl से। इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड, क्या हो जाता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड, दैट इज टिंडर रिएक्शन, क्लियर। तो यहां पर देखो एन और एन, एन टू बार निकल गई, एच एच ओ एच टू बार निकल गया और सीएल हो गया, CH3 CH2 Cl, क्लियर, विदाउट है। रिएक्शन नंबर फोर्थ कंप्लीट होगी। अब रिएक्शन नंबर फिफ्थ देखिए आप, फिफ्थ रिएक्शन में अपन बात करते हैं। देखो फिफ्थ रिएक्शन में आपको यहां बताता हूं, ध्यान से देखिए, अपने पास अब क्या आ चुका, CH3 CH2 Cl आ गया। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा दे अपन, एक्वस KOH से करवा दे, एक्वस KOH से क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH + KCl, क्लियर। और ये बन गया अपना इथाइल एल्कोहल, क्या बन गया, इथाइल एल्कोहल। और अगर अपन रिएक्शन यहां से डायरेक्ट करवा दे, देखो इस रिएक्शन को बताना चाह रहा हूं मैं आपको दोबारा, देखिए इधर CH3 CH2 N H और H, और इसके रिएक्शन करवाया अपने किससे, HNO, यहां से देखिए नाइट्रस एसिड, HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड। तो देखिए क्या हुआ, ये देखो क्या निकल गया, H2, यहां से क्या निकल जाएगा, N2। तो अपने बाद देखो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH हो गया फॉर्मेशन, प्लस N2 + H2, क्लियर। इस तरीके से अपन ने
क्या किया, मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल से इथेनॉल का फॉर्मेशन कर लिया। क्लियर? तो यहां पर देखिए आप, मिथेनॉल, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल साइनाइड, इथाइल एमीन, इथाइल क्लोराइड और इथाइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम हो गया। मिथेनॉल क्लोरोमीथेन, आपका इथेन नाइट्राइड, इथेन एमीन, क्लोरो इथेन और आपका इथेनॉल, राइट। तो मैंने कॉमन नेम भी बता दे, आईयूपीएसी नेम भी बता दिए, सारी चीजें आपके सामने क्लियर है। रिएक्शन नंबर वन, रिएक्शन नंबर टू, रिएक्शन नंबर थ्री, रिएक्शन नंबर फोर, रिएक्शन नंबर फाइव और आपकी ये सॉर्ट मेथड जो आपका यहां से निकल के आया है। क्लियर? अब इसका जो सेकंड आपका पार्ट है, सेकंड तरीका है, उसकी कुछ रिएक्शंस आपकी अभी आपने डिस्कस नहीं की है, वो नेक्स्ट चैप्टर में आप डिस्कस करोगे, इसलिए उस मेथड को अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इस मेथड से अपन आराम से मिथेनॉल से इथेनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।